रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। माँ बाप की मौत के बाद कराते थे नौकरानी का काम, बीमार पड़ी तो घर से निकाला भोजपुर। करीब 15 साल की किशोरी अंजलि भगवान से अब मौत मांग रही है। पहले ईश्वर ने उससे माँ बाप का साया छीन लिया, इसके बाद उसे कुछ अपनों ने नौकरानी की तरह घर में काम कराया, बाद में बीमार पड़ी तो निकाल दिया। बुधवार को किशोरी जब बाबू बाजार मोहल्ले में लावारिस हालत में रोती बिलकती मिली तो मोहल्ले के नौजवानों एवं छात्राओं ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी। अंजलि की हालत ये है कि उसके पीठ में दर्द की शिकायत है। वह बेचारी न तो ठीक से खड़ी हो पा रही है और न ही ठीक से चल पा रही है। ऐसे में उसकी अपनी जिंदगी बोझिल सी लगने लगी है। वह कहती है कि उसका कौन इलाज कराएगा, आखिर उसका अपना कौन है। 3 साल पहले हो गई थी माँ और पिता की मौत। बताया जा रहा है कि अंजलि का परिवार पहले महादेवा रोड में रहता था, अपना घर था। साल 2015 में पहले उसके पिता विनय कुमार साह की बीमारी से मौत हुई थी। इसके ठीक 1 साल बाद वर्ष 2016 में उसकी माँ अनसुया देवी की मौत हुई थी। पटना में काम कराने के लिए भेजे थे अंजलि को। इधर अंजलि ने बताया कि उसकी चचेरी बड़ी मम्मी ने अपनी बहू के पास दिखा पटना में काम कराने के लिए 3-4 महीने पहले भेजा था। इधर अचानक उसके पीठ में दर्द की शिकायत शुरू हो गई, जिसके बाद उसे खड़ा होने एवं काम करने में परेशानी होने लगी थी, जिसके बाद उसकी बड़ी माँ की बहू ने ट्रेन पर बैठाकर घर जाने के लिए बोल दिया। इधर जब बाबू बाजार में बड़ी माँ के घर रहने के लिए आई तो उसे निकाल दिया गया। शरीर पर जले के भी निशान, अंजलि के शरीर पर जले के भी निशान है। ये जख्म उसके ऊपर हुए जुल्म की कहानी भी खुद कह रहे हैं। हालांकि अंजलि का कहना है कि वे खुद चल गई थी। बुधवार को जब वे बाबू बाजार में लावारिस हालत में घूम रही थी तो मोहल्ले की लड़कियों एवं युवकों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, बाद में इसकी सूचना पुलिस को भी दी।